तो मार्वल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक के बाद एक मूवीज और सीरीज निकाले जा रहे हैं और केवल निकाल नहीं रहा, वो हिट भी हो रही है साथ ही साथ। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स मूवी के बारे में, जो इसकी लेंथ है तकरीबन 2 घंटे के करीब है और ये मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैंने इसको हिंदी में देखा है क्योंकि इंग्लिश में देखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या करें ना, इतने ज्यादा व्यू आते हैं कि उससे पूरे महीने की जो तनख्वाह है, मतलब पूरे महीने की जो सैलरी है यूट्यूब से, वो 100 रुपए बनता है, उससे तो एक शो भी ना देखा जाए। खैर, दुकड़ा साइड में रखते हैं, मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। शांग-ची का जो इसके अंदर जो एक सुपर हीरो जो दिखाया गया है, उसमें जो इसके अपोजिट में है, इसके पिता ही है, मतलब एक तरीके से इस मूवी में शांग-ची अपने पिता से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। अब जो इसके पिता है वो शुरुआत में बहुत ज्यादा खतरनाक थे, फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो अच्छे हो जाते हैं, फिर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें घटती हैं कि वो मतलब पुराने रास्ते वापस लौट आते हैं और दुनिया को अपने कदमों में झुकाने के लिए मतलब लग जाते हैं कि भैया हाँ, अब तो हम ही राज करेंगे। फिर यहां पर इनको रोकने के लिए इनका बेटा शांग-ची आता है। अगर मूवी की स्टोरी पर फोकस करें तो देखो यार, मूवी की स्टोरी शायद थोड़ी बहुत आप लोगों को कम पसंद आ सकती है, लेकिन बावजूद इसके ये मूवी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। केवल स्टोरी के बिहाव पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो विजुअल इफेक्ट है वो यार बहुत जबरदस्त। आप एक तो उसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखते हो, साथ ही साथ इसमें जो फाइटिंग सीक्वेंस है यार, मतलब अलग ही लेवल पे चली गई है। जब ये फाइटिंग सीक्वेंस मैं देख रहा था, एक तो यार बड़े पर्दे पर आप फाइटिंग सीक्वेंस या इतने बढ़िया बढ़िया विजुअल आप देखते हो तो यार मन में इच्छा हो जाती है, शरीर में खुद फुर्ती आ जाती है। जब ये इतने जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस चल रहे थे तो लग रहा था यार मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा फुर्ती आ गई, जाकर अभी कुंग फू सीख लेता हूं। एमसीयू की जितनी मैंने मूवीज देखी है उसके अंदर जितने भी फाइटिंग सीक्वेंस आए हैं उसमें मैं ये कह सकता हूं कि शांग-ची की जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो उन सब में टॉप पर है। और मार्वल की जो मूवी है शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स, ये किसी दूसरी मूवी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि इसके अंदर किसी दूसरी मतलब कि मार्वल की कोई एवेंजर या फिर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इन मूवी का कोई भी इसके अंदर रेफरेंस नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत बात होती है कि हाँ ऐसे चुटकी में दुनिया खत्म हो जाती है तो क्या पता क्या हो जाए, तो थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, दो करेक्टर जो है, एक तो मैं शायद बताना चाहिए नहीं, चल खैर आप जब ये मूवी देखोगे तभी देख लेना कि वो दो करेक्टर कौन है, तो वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब जो कोई व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो इस मूवी को देखने जा रहा है या एमसीयू की पहली बार कोई मूवी देखने जा रहा है, तो कहीं ऐसा होता है कि यार ये मूवी मुझे समझ आएगी कि नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक नए सिरे से एक हीरो का ओरिजिन इसके अंदर दिखाया गया है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों को मूवी समझ में आने वाली है, और मतलब समझ में क्या, ये तो आप लोगों को पसंद भी आने वाली है। इस मूवी में एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी कि ये मूवी जो है वो साफ सुथरी है, मतलब साफ सुथरी का मतलब इसके अंदर वॉयलेंस नहीं है, वॉयलेंस मतलब वो वाले एक्सट्रीम लेवल वाले वॉयलेंस नहीं है, ना कोई वल्गर सीन है। यानी एक तरीके से समझ सकते हो ये मूवी वो फैमिली पैक है, आप जब अपने फैमिली के साथ जाएंगे, अपने बच्चों के साथ जाएंगे, तो आप इसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। एक तरीके का मूड, मतलब बार बार मैं एक तरीके का बोल रहा हूँ ज्यादातर, खैर साइड में रहते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा यार मूड ही फ्रेश हो गया इस मूवी को देखकर। बहुत अच्छे विजुअल जो देखने को मिले, मतलब सबसे बेस्ट चीज मुझे विजुअल इसके फाइटिंग सीक्वेंस अच्छे लगे। अब मूवी की कमियों के बारे में बात करूं तो देखो, मूवी की कमी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टोरी को लेकर लगी। मूवी की जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत वीक है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन यार ये एक सुपर हीरो की मूवी है, उसका ओरिजिन दिखाया गया। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इसमें कहीं पर भी मूवी कहीं दूसरे सिरे से स्टार्ट नहीं होती, बिल्कुल शुरुआत से मूवी दिखाई जाती है कि हाँ एक खतरनाक इंसान है, वो अपने कैसे उसने अपनी मतलब क्या कहते हैं उसको, उसने अपना राज कैसे स्थापित किया है, ये सब चीजें दिखाना, फिर उससे को किसी से प्यार होना, उसके बच्चे होना, ये सब चीजें एकदम बिल्कुल शुरुआत से चीजें दिखाई गई हैं। तो हीरो का शुरुआत से बड़े होना, अपने आप को मतलब काबिल साबित करना, अपने डर से कैसे मुकाबला करता है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगी। ओवरऑल पूरी इस वीडियो का अगर समरी में आप लोगों को दूं तो देखो, मूवी की जो स्टोरी है वो डिसेंट है, प्रेडिक्टेबल है। देखो यार वो तो हो सकती है क्योंकि सुपर हीरो की मूवी, तो आप लोगों को पता ही होने वाला है एट दी एंड क्या होगा। विजुअल काफी ज्यादा अच्छे हैं, फाइटिंग सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और एक और चीज, इसके अंदर साफ सुथरी मूवी, जो मैं दोबारा से बात बोल रहा हूँ, हाँ जो नया कोई नया पर्सन इस मूवी को देखने जा रहा है तो डेफिनेटली ये मूवी उसको पसंद आने वाली है, उसको समझ में आने वाली है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो आप लोग प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों ने मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो बेशक ये लगी होगी आपके हाल फिलहाल जो नजदीक जो थिएटर है उनके अंदर लगी होगी, अभी भी मेरे यहाँ जो लगी हुई है, तो जाकर इसको देखिए, बहुत बढ़िया। फैमिली के साथ जाइए, अपने बच्चों के साथ जाइए, एंजॉय करिए इस मूवी को। और अब हिंदी डबिंग की बात करूं तो देखो यार, हिंदी डबिंग तो मुझे डिसेंट ही लगी। अब मैं कंपेरिजन कैसे कर सकता हूं क्योंकि मैंने इंग्लिश इसका वर्जन देखा नहीं, तो गरीब आदमी कहां से कंपेरिजन करेगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।